स्वामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। सनातन धर्म सदियों से भारत की पहचान रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वामपंथी विचारधारा से पोषित जो कुछ लोग हैं वो लगातार सनातन धर्म पर एक तरीके से उसकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं। और अब इस जमात में देश के कुछ राजनेता भी शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु के दो मंत्री जो हैं वो लगातार सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। और इन सब के बीच में देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा देश सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसा ही सोचता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्म मजहब के हैं, बावजूद इसके सनातन धर्म में उनकी अगाध आस्था है। इस वक्त हम वाराणसी के सुभाष भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो भी लगातार पूजा पाठ करती हैं, दोनों आरती करती हैं। इसके साथ ही जो रामचरित मानस है, आप देखिए कि ये रामचरित मानस है और उसका बकायदे रोज न सिर्फ पाठ किया जाता है बल्कि इसका उर्दू में अनुवाद भी किया जा रहा है, ताकि जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो दूसरे समुदाय और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनके पास भी पहुंचे, उनको तक भी पहुंचे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नाजनीन जी। नाजनीन जी, ये बताइए कि सनातन धर्म को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम देखते आए हैं कि आप लगातार जो सनातन धर्म की विचारधारा है उसको दूसरे तक पहुंचाती हैं, तो आपको सनातन धर्म में कौन सी जो चीजें हैं वो अच्छी लगती हैं? सबसे पहली बात, सनातन धर्म जो है वो पुरातन है, सत्य है, शाश्वत है, वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। वो कोई एक विचारधारा नहीं है, कोई एक समूह नहीं है, ये जन जन में व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है। चाहे वो प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, जल हो, जीव हो, मनुष्य हो, हर चीज से जुड़ा हुआ है। और इसको समाप्त करने के लिए जिस तरह के लोग बयानबाजियां दे रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन जो है एक बीमारी है, एक रोग है, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि अगर यही बात वो दूसरे मजहब के मानने वालों के लिए करते, टीका टिप्पणी करते, तो अब तक उनका सर तन से जुदा हो गया होता। मगर सनातन की एक खासियत तो देखिए कि अगर उनकी इतने बड़े बयान देने के बावजूद भी पूरे देश में कहीं एक कोई भी इस तरह की घटना नहीं सुनाई दी जो देश में संप्रदाय। आपका सनातन धर्म से जुड़ाव कैसे हुआ? हम देख रहे हैं कि हिंदू महिलाएं भी हैं, उनके साथ आप बैठ के भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, बकायदे जो रामचरितमानस है उसका उर्दू में अनुवाद कर रही हैं, आरती कर रही हैं, तो ये सब आपकी आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे आई, आप कैसे प्रभावित हुई? देखिए, जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे और उसके भी पहले पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि जहां पर सभी त्योहारों को मिलजुल करके मनाया जाता था और सब लोग मिलजुल करके रहते थे आपस में। जब बाबरी का दंगा हुआ उसके बाद से लेकर के और उसके भी बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर तो रहते थे, मगर फिर धीरे धीरे उनके बीच में मनमुटाव आने लगा, खाइयां बढ़ने लगी, तमाम आतंकवादी धमाके होने लगे, तो उनको हिंदुओं को लगने लगा कि ये मस्जिद में हुआ, मंदिर में हुआ है तो मुस्लिमों ने कराया है, अगर मस्जिद में बम धमाके हो रहे तो लोगों को लगता है कि हिंदुओं ने कराया, तो इस तरह की जो चीजें थी वो गलत फहमियों को बढ़ाने लगी। मगर जब हम लोग किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, चाहे हनुमान चालीसा को ले लीजिए, चाहे रामचरित मानस को ले लीजिए, तो उसमें जो चीजें निकल करके आती है, चाहे गीता को ले लीजिए, तो उसमें सारी चीजें अपने आप निकल करके आती है, किस तरह से जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, आपस में परिवार में किस तरह से मिलजुल करके रहना चाहिए, भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इन सारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। अच्छा, आप किस तरीके के जो ग्रंथ है वो पढ़ती हैं, कुछ भजन वगैरह आप गाती हैं, किस तरीके से कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? राम जी ने जब शिव जी की स्तुति की उस समय लिखा है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम। तो देखिए, ये हैं नाजनीन जो नमाज भी अदा करती हैं और उसके साथ साथ रामचरित मानस का पाठ भी करती है। सिर्फ नाजनीन ही नहीं बल्कि इस परिवार में नजमा भी हैं जो लगातार सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। नजमा, ये बताइए कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है खासतौर से सनातन धर्म, और लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म को एक तरीके से अब टारगेट किया जा रहा है उनको किस तरीके से आप जवाब देंगी? देखिए, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि सत्य है, शाश्वत है, और हमारे पुराणों में और इतिहास भी आप उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पुराना धर्म कोई है तो वो है सनातन धर्म। बाकी सारे तो पंथ बनाए गए समय समय के अनुसार, लोगों की जो मांग बढ़ी तो उस समय वो पंथ बनाए गए, लेकिन धर्म जो है वो सनातन ही धर्म है और उसी से हमें जीने जिंदगी जीने का तरीका
पता चलता है, ये कैसे हमें अपने जीवन में किन चीजों को लाना है, किस चीजों को धारण करना है, कैसे समाज के लिए जीना है, कैसे लोगों के लिए जीना है, तो ये सारी चीजें हमें सनातन धर्म से ही देखने को मिलती है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है, या यूं कहें कि एक भारत देश एक ऐसा गुलिस्ता है जिसमें सभी तरीके के फूल हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब के हो, चाहे किसी भी जाति पंथ के लोग हो, सब आपको सारी खूबसूरती आपको भारत में देखने को मिलेगी। कुछ लोग इसे हम देख रहे हैं कि बीमारियां बता रहे हैं, एड्स बता रहे हैं, डेंगू बता रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हैं जो सीधे तौर पे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हैं, वो बातें कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी मनसा क्या हो सकती है? आपको किस मानसिकता की ये लोग हैं? देखिए, इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हो चुकी है और ये लोग कुंठाग्रस्त हो चुके हैं और इनको सच्चाई से ये लोग मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको सच्चाई नहीं पता है, लेकिन ये लोग राजनीतिक मुद्दे को लेकर के राजनीतिक तरीके से अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनसे ये पूछा जाए, जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो लोग बता रहे हैं कि सनातन धर्म एड्स की तरह है या उनमें बुराइयां हैं, सब कुछ है, तो अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपके बाप दादा किस धर्म की पूजा करते थे, तब भी तो उनको सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी वो बहुत मॉडर्न बन रहे हैं या ये यूं कहें कि बहुत अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं और इस चीजों से अलग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज उनके दिमाग की उपज है और ये लोग उन लोगों के दिमाग को खराब करने वाली चीज विकृत हो चुकी है उन लोगों के दिमाग। आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि आप लोग रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं, तो आप लोगों को कभी समाज में इस तरीके की कोई दिक्कतें हुई या फिर आप लोग स्वतः मतलब खुद से आगे आके ये सारी चीजें करती हैं? देखिए, समय समय पर कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, ये नहीं कहेंगे कि दिक्कतें नहीं आई, लेकिन दिक्कतों के सामना करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे सपोर्ट के लोग थे और वो जानना चाहते थे कि जैसे इस्लाम धर्म के बारे में सबको पढ़ाया जाता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, उसकी तालीम दी जाती है, उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी हर धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को पता चले कि सनातन धर्म में है क्या। तो इसीलिए हम लोगों ने सनातन धर्म के प्रति अपना रुझान किया। तो आप पूजा पाठ भी करती हैं, कौन कौन से व्रत वगैरह भी रखती हैं, क्या है? जी, हम लोग सावन का भी अभी व्रत थे और अभी हम लोग लगातार ये नवरात्र का ही व्रत रखते हैं, तो हम सारे लोग सारे पूजा विधि करते हैं, क्योंकि हमारा विशाल भारत संस्थान का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल करके रहते हैं। आप देखेंगे ईद पे सेवैयां भी बनती हैं, वहीं होली पे हम लोग रंग गुलाल भी उड़ाते हैं, तो ये सारी खूबसूरती आपको विशाल भारत संस्थान में भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ हम सारे लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं और सनातन धर्म के प्रति हम लोग की गहरी आस्था है, क्योंकि ये हमारी जड़ है और भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो अरब से आया या कहीं बाहर से आया, वो सब यही के हैं और हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे बाप दादा थे, वो पहले सनातन धर्म के मानने वाले थे, बाद में हम लोग का जो कन्वर्जन हुआ तो उसके बाद हम लोगों में जो भी बदलाव हुआ, लेकिन अब वो बदलाव है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म को लोग टारगेट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के समर्थन में आके ऐसे जो नेता हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो लगातार सनातन धर्म, हिंदुत्व को लेकर जो अपनी एक तरीके से कुंठित मानसिकता है उसे बाहर ला रहे हैं? देखिए, उन लोगों को मेरा यही कहना है कि आप जो कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे हमेशा आम जनता परेशान होती है, तो ये जो जनता को परेशान करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए लोग सनातन धर्म को, हिंदू को, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। अभी जैसा नाजनीन ने बताया कि अगर ये काम दूसरे धर्मों के लिए किया गया होता तो अब तक सर जो है वो तन से जुदा हो गया होता। तो हिंदू जो है शुरू से सहिष्णु रहा है, उसके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा है, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मसला रहा हो, चाहे अभी बाबरी जो भी ज्ञानवापी मंदिर का मसला है, उसमें हम लोग जो हिंदू समाज है बहुत ही ज्यादा धैर्य दिखाता है, तो उसके धैर्य का एक, किसी के भी धैर्य का एक लेबल होता है, तो लोग उस लेबल को पार करने के लिए मजबूर ना करें। आपके साथ दो मुस्लिम बहनें भी रहती हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है वो किस तरीके से होती है और क्या आप लोग से कुछ अलग होती है? आप लोग के साथ ही वो भी भजन कीर्तन या फिर पूजा पाठ व्रत जो इत्यादि हम लोग करते हैं उस तरीके से उनकी रहती है? देखिए, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं सुभाष भवन में रहती हूँ। ये एक ऐसा घर है जहाँ सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। हमारी सुबह परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरती के साथ, भारत माता की प्रार्थना के साथ होती है, उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं। हमारी जो दो मुस्लिम बहनें हैं, नजमा और नाजनी, ये लोग शिव जी को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, सावन में सोमवार का व्रत रहना, नवरात्र में दुर्गा जी का कलश बैठता है उसकी देखभाल करना, कन्या पूजना, ये सारा काम ये लोग करती हैं।
और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम कर रही हैं कि जो सनातन और सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो विचारधारा है उसको जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं उनको भी करारा जवाब देने का अब वक्त आ चुका है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।